कार्डियोलॉजिस्ट, मैं बताना चाहती हूँ आज डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स क्यों जानना जरूरी है किसी को? आमतौर पर क्या होता है कि जब डायबिटीज बढ़ जाती है तो उसके जब सिवियर लक्षण आने लग जाते हैं तब पता चलता है कि डायबिटीज हो गई है। अगर पहले से ही रिस्क फैक्टर्स पता होंगे, इसकी अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, तो पहले से ही स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा पता चल सकता है कि डायबिटीज है कि नहीं है। तो मेन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? एक होता है अगर पेरेंट्स में या भाई बहन में डायबिटीज है, ग्रैंड पेरेंट्स में, अंकल आंटीज में, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर डायबिटीज है, तो रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज होने का। एक और रिस्क फैक्टर है वेट। अगर हम ओवरवेट हैं, मोटापा है, तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज का। थर्ड रिस्क फैक्टर है अगर हम 40 ईयर्स के ऊपर हैं, तो वो एक अपने आप में रिस्क है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत जरूरी है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरह का हो? स्क्रीनिंग टेस्ट में हमें फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर और एक HbA1c टेस्ट होता है, वो कराना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल्स में रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना और एक गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होना, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। वो डायबिटीज बाद में ठीक हो गया तो भी आगे के लिए रिस्क रहता है। उसी तरह PCOS में भी रिस्क आगे रहता है डायबिटीज होने का। तो अगर किसी को इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हो चुका है या पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, तो भी डायबिटीज का एक रिस्क रहता है। कोलेस्ट्रॉल है तो हमें स्क्रीनिंग की जरूरत है। स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा कराने के बाद में सलाह लें डॉक्टर से कि आप कहाँ पे आ रहे हैं, नॉन डायबिटिक में कि प्री डायबिटिक में कि डायबिटिक में। अगर आपको डायबिटीज नहीं निकल रहा है तो कौन से इंटरवल्स पर हमें चेक करना है, वो भी आप सलाह लें, क्योंकि एक बार नेगेटिव निकलने से ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए वो नेगेटिव हो गया। तो रिस्क फैक्टर जिसको भी है वो ज़्यादा अलर्ट रहें और स्क्रीनिंग के द्वारा अपने आप को अपना प्रूफ रहेगा कि डायबिटीज हुआ है कि नहीं हुआ है, हम किस तरह से बचाव करें उसका। धन्यवाद।